हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये रहा ठाकुर माणिक चंद। दोस्तों, आप लोग को मालूम नहीं, जब मैं रंगम लाल को बांध कर मार रहा था, मेरा भतीजा सावन आया, कहा चाचा नाजायज फायदा मत उठाओ, गरीबों को सताइए मत। अपने भतीजे सावन के कहने पर हम रंगम लाल को छोड़ दिया, 22 तारीख को छुड़ा दिया, आज 23 तारीख, साला कर्जा भी ले गया और काम ही नहीं करे, काम भी करने नहीं आया। ये कहाँ का उसूल है? अगर काम नहीं करना है तो साला पैसा वापस क्यों नहीं? राम लखन, यहाँ आओ। जय शंकर। जय शंकर। देखा, रंगम लाल को सावन सिंह बता दिया। अरे आपका भतीजा है, मैं क्या करूँ? खास बात तो यही है, वो मेरा भतीजा और मैं चाचा, हम उसकी बातों को मान लिया। क्या आदेश है? आदेश यही है कि अगर रंगम लाल घर में नहीं है, कहीं गया है, तो कोई सदस्य हो उसको भी लेके आना बंगले पर। बहुत अच्छा सरकार। एक काम तुम्हारा है, उसके हम बात सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आर्डर आर्डर। जे रहा रंगम लाल, तू साला अपनी मौत को बुलाया, वक्त का इंतजार करना, ये ठाकुर का ऐलान है, ऐलान जारी रहेगा। रंगम लाल के झोपड़ी के पास पहुंच गया हूँ, अब यहीं से आवाज लगाएंगे। अरे रंगम लाल, कौन हो बाबू? कौन बोल रही हो? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। उनकी पत्नी हो तो झोपड़ी से बाहर निकलो। आ रहे हैं बाबू। रंगम लाल, तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। चलो, तुमको बाबू साहब हवेली बुलवाए हैं। क्या बाबू साहब मुझे हवेली बुलाए हैं? तुम्हारा ग्रह दूर हो जाएगा, मुसीबत है ना तुम्हारे ऊपर। हाँ बाबू, मिलेगा खाना का कागज से। चलो जल्दी। जय शंकर। जिस काम के लिए भेजा वो काम पूरा हुआ या नहीं? रंगम लाल को नहीं मिला बाबू साहब। फिर कौन आया? उसकी पत्नी मिली है, उसको लिवा के आ रहा हूँ। लाओ सामने बुलाकर। आ गई आपके सामने बाबू साहब। क्यों पुष्पावती? बाबूजी, तुम्हें कुछ मालूम है? लो सुनो, तुम्हें क्यों बुलाया, बुलाने का कारण क्या है? चोर पुष्पावती, तुमको मालूम नहीं, ठाकुर का कर्ज अब तक चुकाया नहीं, रंगम है कहाँ पे बता दे मुझे, 500 रुपये कर्ज डालो। रंगम कहाँ है? अगर काम नहीं करना था साले को तो रुपए क्यों वापस नहीं किया? बुला उसे। बतला रहे हैं बाबूजी। बोल। तो 3 दिन हो गया घर में डाका कर ले गए सारे धन को मेरे, पाई पाई की मोहताज, मैं हो गई गोली से मार डाले है पद को मेरे।
गुस्सा मती मेरे लाल मोती को उठा ले गया है। कौन उठा ले गया? मेरे लाल मोती को उठा ले गया है। धन को हमारे चुरा ले गया है। मेरे ये गम छा गया। बाबूजी बोलो। आज 3 दिन हो गया घर में डाका पड़ गए। मेरे धन को डाकू ने सब उठा ले गए। मेरी गोद से मेरा बच्चा भी मुझसे छीन ले गए। बाबूजी क्या तुम्हारे यहाँ डकैती बढ़ गई? डकैती में तुम्हारा बच्चा भी छिन गया? हाँ बाबूजी, मेरी गोद से डाकू ने मेरा बच्चा भी उठा ले गए। घर में जो था रुपया पैसा सब उठा ले गए। बाबू साहब, डाकू ने मेरे पति को गोली मार दिया। क्या कहा? रंगम लाल को भी गोली मार दिया? डाकू लोग से बहुत ज्यादा अत्याचार किया, लेकिन पहले बताओ तुम्हारा पति मारा गया, तुम्हारा मासूम बच्चा चोरी गया, इस समय मौजूदी हालत में कै सदस्य हो? हम लोग 3 प्राणी हैं घर में। कौन कौन? मैं हूँ, मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम हीरा है, हीरा, और एक बेटी है जिसका नाम राधा है। बाबूजी, गरीबी के चलते अपनी बेटी राधा की मैं शादी नहीं कर पाई हूँ। बाबूजी पुष्पावती, कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, कर्ज से मेरा मतलब मुझे दीजिए, वरना राधा को तेरी बना के दुल्हन उसको ले जाऊंगा आज अपने ही घर। पुष्पावती, तुम्हारे लिए रास्ता यही है, या तो 500 रुपए कर्ज अदा कर, वरना कर्ज ही एवज में हम तुम्हारी बेटी राधा को जबरदस्ती पकड़ कर बाबूजी अपनी हवेली भी ले जाओ। आप ऐसा नहीं करें बाबूजी। बाबूजी, आपका सारा पैसा पाई पाई में अदा कर दूंगी। आज देना है बाबूजी, कुछ गरीब पर राम खाई और साली बुद्धे, आज तुम्हें पैसा देना है। बाल या तो पैसा दो। मैं हूँ मजबूर ठाकुर, दया कीजिए। दया ठाकुर, आज दिन तक सुना ही नहीं है कि दया क्या चीज है रे? मैं हूँ मजबूर ठाकुर, दया कीजिए, गिरते इंसान को अब गिराओ नहीं, कोड़ों की मार से की मार से
की मार से मैं मर जाऊंगी। बेरहम बल के कोड़े चलावो नहीं सलामती। खड़ी हो जाओ। अरे बात सारी आज पुष्पावती तेरी कहानी को खत्म कर। मार दो गोली नंबर एक नंबर दो नंबर खबरदार गोली चलाना नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। इन गरीबों को चाचा सताया या गरीब इनकी आह में तुम राखी हो जाएगा। सामन सिंह तू फिर आ गया। हाँ चाचा मैं आ गया। मैंने कह दिया हूँ कि अपने सामने किसी गरीब आदमी को सताते नहीं देखूंगा। सुन लो मेरे बातों में बेटा ना उलझा करो। मेरे बातों में बेटा ना उलझा करो। चल रहा सीधे का अब जमाना नहीं। कर्ज लेते हैं फिर वो देते नहीं। तुमने जाना नहीं मेरे नूरे नजर। सावन सिंह तुम नहीं जानते हो गरीब की इमदाद करोगे जो साले कर्ज लेते हैं मांगने जाने पर आज और कल बताते हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ ये बेचारी क्या तुम्हारा बिगाड़ा जिसको गोली मारने जा रहे हो। ये हरामजादी नालायक। मैं वसूली करने आया था। कह रही कि मेरे पास पैसे नहीं है इससे पूछो क्यों इनकार किया। कैसे 500 रुपए इसका पति लिए गया रंगमलाल जिसे तुमने छुड़वाया था। 500 रुपया इसका पति ले गया है। ले गया और इससे तगादा करने आया था तो इनकार किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। डकैती पड़ गई तो क्या हुआ तो क्या दुनिया का लफड़ा बता रहे। एक बात सुन लो चाचा जी अगर याद नहीं पैसा उसके है वो कल दे देगी तो क्या मारने से पैसा मिल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो सामन सिंह। कहने में शर्म नहीं लग रही है। मेरे शर्म लगेगी। उसने याद करो जब रंगम लाल को छुड़ाया और उससे कहा कि खेतों में मेड़ बांधना है उसी तारीख से वो काम भी करना बंद कर दिया और 500 रुपए कर्जा भी नहीं दिया। अगर उसे काम नहीं करना है तो रुपए क्यों नहीं पहुंचाए बोल। अरे वो गरीब आदमी है आज नहीं ये पैसा कल दे देगा। गरीब साले का रक्षा करोगे तो साले सर पर चढ़ाएंगे। तुम्हारे चाचा ऐसा नहीं किया। चाचा जी बोलो जब उसके पैसा होगा वो दे देगी और अब उस पर हाथ मत उठाना। एक बात सुन लो सावन सिंह। बोलिए। हमेशा बीच में दीवार मत बनो नहीं तुम्हारे लिए बुरा है। जो बुरा होगा मैं देख लूंगा लेकिन अपने सामने किसी गरीब मजबूर लाचार पे जुल्म ढाते नहीं देखूंगा चाचा जी। सूरज तो गुस्ताखी बाप हो सावन सिंह। बचपन में तुम्हारे माँ बाप मर गए थे और मैंने पाल पोस के सयाना किया पढ़ाया लिखाया। आज बीए पढ़कर राजनीति सिखा रहे हो। तुम अपने चाचा के सामने राजनीति बता रहे हो। एक बात सुन लो। बोलो। यही एहसान तुम्हारा मेरे ऊपर है कि माता पिता के मर जाने के बाद आपने मेरी मदद की मेरी सेवा की है जनता। वरना अगर दूसरा कोई अगर इस तरीके से गरीबों पर जुर्म उठाता तो मुझसे बुरा और कोई नहीं उसका नतीजा बहुत बुरा। सभी तो चाचा के सारे में जीरा कर रहे हो। चले जाइए अब यहाँ से। बेटा सावन मेरी एक बात सुन लो। सावन सिंह चला तो जा रहा हूँ। बेटा मेरे पति जी आपके चाचा से 500 रुपए लेकर आए थे। आप पूछो उससे। और मैं कही बाबू साहब आपका कर्जा मैं पाई पाई मेहनत मजदूरी करके अदा कर दूंगी। फिर भी आपके चाचा नहीं मान रहे हैं। कहे जब तक कर्जा नहीं दोगी तुम्हारी बेटी राधा को मैं उठा ले जाऊंगा। क्या बेटा सावन मेरे पास एक लड़की है जिनका नाम राधा है। गरीब के नाते बेटा अपनी राधा की बेटी की शादी नहीं कर पाए। ठीक कह रही हो बुढ़िया।
गलत नहीं कह रही बेटा सावन सिंह, तुम नौजवान हो, शादी योग हो चुके हो। मैं तो सोच लिया था, एक दिन मैंने तगादा में गया था और राम लखन ने कहा कि ठाकुर साहब ये रंगम लाल की बेटी है जिसका नाम राधा है, और तुम जाओ, बात हकीकत की है कि मैं आदेश दे रहा हूं, जाओ राधा को उठा लाओ और राधा के साथ तुम्हारी शादी कर। अरे अरे तुम्हारी जुबान सड़कर गिर जाएगी किसी गरीब की बहन बेटी पर डालोगी तो। मैं कह दिया यहां से तुम चले जाइए चाचा जी। सावन सिंह जा तो रहा हूं लेकिन ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। दुश्मनी कम से कोई गम नहीं है, लेकिन मैं जितनी बातें कह चुका हूं चाचा जी कि आज के बाद तुम्हारे अलावा दूसरा कोई अगर जुबान निकालता तो मैं जुबान काट कर रख देता। तुम इतना बड़ा अत्याचार की गरीबों की बहू बेटी पर बंदर डालना सोच लिए। तुम गरीबों की रक्षा करोगे? मैं रक्षा करूंगा और चाचा से दुश्मनी करोगे? कोई बात नहीं है। सावन सिंह वक्त का इंतजार करना, जाइए। आज तो जा रहा हूँ, मुझसे दुश्मनी करके सकून की जिंदगी नहीं। हराम ये हराम खोल, चाचा जी के साथ इसकी भी जुबान ज्यादा चलने लगी। साला देश भक्षक है। कबे खटिया के खटमल, कहाँ कहूँ मैं छपोरी। आज से सावन सिंह के साथ में तुमको देखेंगे, गरम पानी तुम्हारे ऊपर डाल कर तुमको मारेंगे। अच्छा अच्छा, तेरी माँ की मुकद्दर मारो। अच्छा अच्छा, रुका रहा, मारे से पहले प्रसाद ले जा। प्रसाद? ऐसा प्रसाद है भाई, आज से तुम नहीं दिखाई दे। श्री राम जय बाइज्जत, इसको इतनी बड़ी इज्जत करके भेजोगे दोबारा है ना? जी भैया, काकी तो बगल हो जाते, उनका हम विदाई ढंग से कही गई। आज के बाद हाँ दिखाई नहीं दे रहा सावन सिंह के साथ में। अब तुम चाचा के साथ दिखाई पड़े तो सारे तुम्हारा हाथ गो सब काट ले। माता जी बेटा देखिए, अगर चाचा जी का 500 रुपये कर्जा है तो उनकी कर्जा दे देना, ठीक है? बेटा ठीक है, मैं बार बार उसे कह रहे थे बाबू साहब आपका मैं कर्जा अदा कर दूंगी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। कहे जब तक तुम कर्जा नहीं दोगी तुम्हारी बेटी राधा को मैं उठा ले जाऊंगा। बाबू साहब अगर आप नहीं आते तुम्हारे चाचा गोली मार देते मुझे। मैंने क्या कहा कि तुम जाओ, अब तुम्हारे पास चाचा जी नहीं आएंगे, अगर नहीं तुम्हारे पैसा होगा तो मैं दे दूंगा 500 रुपये। हाल क्या? ठीक है बेटा, लेकिन मैं मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? कहीं रास्ते में तुम्हारे चाचा मिल जाएंगे तो अब की बार तो छोड़ दिए, अब दोबारा मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार देंगे। इसलिए बेटा मुझे अपने घर तक पहुंचा दीजिए। बेटा श्री राम भैया देखिए, लोग ऐसे ऐसे इंसान पले हैं कि एक को देख कर कितनी दहशत खा रहे हैं। जी भाई क्या करेंगे कि अगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी मेरे घर तक मुझे पहुँचा दो। जी भाई तो ठीक है चलिए, अगर ये बात है तो हम तुम्हारे घर तक तुमको पहुँचा के दबाऊंगा, आइए हमारे साथ। चलिए भैया क्या भगवान, मेरी माँ जमींदार के पास गई है, काफी टाइम हो गया अभी मेरी माँ वापस नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ भगवान। बेटा यही हमारा घर है। बेटा ये तुम्हारा घर है? हाँ बेटा। तो लेंटर क्यों नहीं पड़ा इस पर? बेटा क्या करूँ, मजबूरी है, हम लोग गरीब आदमी है बेटा। ठीक है माता। श्री राम भैया सोचिए, ऐसे ऐसे गरीब इंसान दुनिया में पड़े हैं जिनको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का दाना नहीं, और चाचा जी इस पर जुर्म ढा रहे थे। क्या करोगे भाई? देखिए माता जी, माता जी अपने घर पहुंच गई हो? हाँ बेटा। माँ? बेटी। ये कौन है? बेटी आप इनको नहीं जानोगी, ये ठाकुर मानिक चंद के भतीजे, ये हम गरीबों को सदर अच्छा करते हैं बेटी। अच्छा माँ? अगर सही वक्त पर नहीं आ जाते इनके चाचा मुझे आज गोली मार देते बेटी। क्या माँ? हाँ गोली मार देते? हाँ बेटी, लेकिन हम गरीबों की सदर अच्छा करते हैं, ये बहुत नेक इंसान है, इनका नाम सावन है बेटी। अच्छा माँ
घबराओ नहीं, बहुत सीधा स्वभाव के आदमी हैं, जमींदार बाबू मानचंद के भतीजे हैं। अच्छा भैया, गरीबों का रक्षक हैं। अच्छा, इनका नाम सावन है। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम भादव है। माँ, आप इनसे बातें करें, मैं चलूं साहब के लिए कुछ जलपान के इंतजाम कर दूं। जाओ बेटी, तुम अंदर जाओ। ठीक है माँ। का पियोगे? क्या पियोगे भैया? पानी। कौन सा पानी? आरा वाला। आरा वाला क्या है? आरा वाला, आरो वाला। हाँ, आरो वाला। देखे माता जी, बेटा पानी वगैरह की व्यवस्था मत करिए, अपने घर तुम पहुंच गई हो और मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। बेटा ठीक है बेटा, क्या करूँ बेटा, गरीबी के नाते अपनी बेटी राधा की शादी नहीं कर पाई हूँ। ये तुम्हारी लड़की है? हाँ बेटा, हम परिवार में तीन लोग हैं। कौन कौन? मैं हूँ और मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम हीरा है, और यही एक मेरी बेटी है, इनका नाम राधा है। यानी लड़के का नाम हीरा और तुम्हारी लड़की का नाम राधा है? हाँ बेटा, गरीबी के नाते। क्या करता है लड़का तुम्हारा? बेटा यही मजदूरी मेहनत करके किसी तरह उसे पढ़ा लिखा रहे हूँ बेटा। बहुत अच्छा माँ, ये तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है। चाहे जैसे तन पेट काटना, बच्चे को जो रूप लहाना माता जी, और हो सकता है बच्चा पढ़ लिख ले, होनहार बच्चा हो, भाग्यशाली तुम्हारा बच्चा हो और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। हाँ माता जी, भैया सही कह रहे हैं, अगर आपका बच्चा दो पैसा कमाएगा तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपका पालन पोषण अच्छा होगा माता जी। चाहे हाँ जैसे करना, बच्चे की पढ़ाई मत छोड़ाना, बच्चे का जरूर पढ़ाना। अच्छा मैं चल रहा हूँ। बेटा बेटा एक बात मैं कहना चाहती हूँ बेटा, परंतु कहने से पहले आपको अच्छा न लगे, कहीं आप मुझ में नाराज ना हो जाए बेटा। देखे माता जी, इसमें नाराजगी क्या बात है? बेटा अगर आप नहीं नाराज होंगे तो मेरी बात सुनकर जाइए बेटा। दिल खोल के बोलो माता जी, घबरा नहीं आप। तो जीते जी कहे रही हूँ ये बेटा सुनो, राधा बेटी को तुम्हें भूल जाना नहीं, मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं। मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं, तुम यही पर रहो घर को जाओ नहीं, मेरे जीवन बेटा। मैं तो यही कहूंगी, अपने घर मत जाइए बेटा, आज से हमारे ही घर पर रहो बेटा। ए बुढ़िया, श्री राम बेटवा, जवान स्वभाव की बात करना। अरे जमींदार के भतीजे हैं बाबू सावन सिंह, अगर तुम्हारे दरवाजे पे रहेंगे, तुम्हारे घर में रहेंगे, लोग बात क्या कहेंगे कि जमींदार भतीजा इस बुढ़िया घर में क्या करने की रुका है? देखिए श्री राम भाई, अच्छी बात पर कम ध्यान आता है, सोच लोग की सोच बहुत दूर है, कुछ भी कह सकते हैं कोई। हाँ भैया। माता जी बेटा, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ तुम्हारी मजदूरी, लेकिन यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं है। बेटा ठीक है, लेकिन बेटा इतनी दूर से चल कर आए हो, कम से कम मेरे हाथ से एक गिलास पानी पीकर जाओ बेटा। अच्छा अगर ये बात है माता जी, तो जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, हम तुम्हारे हाथ का पानी पी कर जाऊंगा। श्री राम बेटवा। हाँ काकी। जा रहा हूँ पानी लाने बेटा, पानी पीकर तब जाना। हे हम तो यहाँ टिकप की भैया। हाँ। गरीब की यहाँ टिकन मजा आवा थे। कैसे? गोश्त दारू मछली मिले का। श्री राम बेटा मैं पानी लाने जा रही हूँ। बढ़िया पानी लाऊ जो जुकाम न धरा।